भोजपुर में बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। घटना नवादा थाना क्षेत्र के ओवर ब्रिज के समीप की है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोग जिले के खुजराह हट्टा से लड़की की देखा देखी करके अपने घर लौट रहे थे कि पश्चिमी ओवर ब्रिज पर तेज रफ्तार से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार तीनों लोगों को रौंद डाला। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस घटना में एक की मौके पर मौत हो गई और दो लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इस घटना के बाद गुस्से में आए लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर ट्रक को आग लगा दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया और पुलिस घटना स्थल की छानबीन करने में जुट गई है। जो कुआरी से आ रहा है, किस ले लड़की देखकर आ रहा है, कहाँ जा रहे थे? सरना जाने। अच्छा, कितने लोगों की अभी मौत हुई, कितने लोग घायल है? एक मौत हुई है, एक को घायल, तीन घायल, दो घायल। क्या चीज से लगा था? ट्रक वाला मार दिया था। कितने लोग सर घायल है, कितने लोगों की मौत हुई है? दो जख्मी हुई है, एक के स्पॉट डेथ हुई है। कहाँ से पता चला, कहाँ के रहने वाले? वो बता रहे हैं बिजनिया के रहने वाले हैं, अभी उसके परिजन भी आ गए हैं, तो वहाँ जाने के बाद उसका डिटेल लिया जाएगा। सर ट्रक का क्या हवाले कर दिया था, किसके सर? यहाँ कुछ लोग स्थानीय जमा हो गए थे जो आग लगा दी, हम लोग फायर ब्रिगेड को बुलाया, आग आग पे काबू पा लिया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भोजपुर से राकेश कुमार की रिपोर्ट।